Welcome to my YouTube channel, Improved Classes. Today I shall teach you about the use of this and that. Student, आज मैं आपको this और that का use बताने जा रहा हूँ. Use of this and that. पहले तो हम this के बारे में study करेंगे. This का हिंदी अर्थ होता है यह. इसका प्रयोग निकट में स्थित किसी एक व्यक्ति वस्तु या किसी और चीजों को प्रकट करने के लिए किया जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि दिस का जो प्रयोग होता है किसी एक वस्तु के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, मतलब किसी एक ही सामान के लिए होता है. दूसरा है दैट. दैट मीन्स वह. इसका प्रयोग दूर स्थित. इसका प्रयोग निकट के लिए था. दैट का प्रयोग दूर के लिए, किसी एक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करने के लिए किया जाता है. दोनों का प्रयोग केवल एक वस्तुओं के लिए ही है, लेकिन दिस वाला प्रयोग केवल निकट के लिए होता है और दैट वाला प्रयोग दूर के लिए होता है. थर्ड है दिस और दैट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसका नाम है इज या वाज. या तो इज नाम की हेल्पिंग वर्ब रहेगी या तो फिर वाज. अगर आपके सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, वाक्य के अंत में मान लीजिए है आता है, तो इज लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब. अगर था आएगा तो वाज लगाना पड़ेगा, मतलब पास्ट वाला रहेगा. प्रेजेंट टेंस के लिए इज लगेगा और पास्ट वाले वाक्य के लिए वाज. पास्ट का मतलब था, दी थे. एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ. पहला वाक्य है या एक कुत्ता है, या के लिए तो दिस होता है और वाक्य में अगर है आएगा तो इज लगाना पड़ेगा. दिस इज अ डॉग. मैंने आपको ए और एल पढ़ाया ही पहले से ही कि डॉग कुत्ता को डॉग बोलेंगे और डॉग का जो गला से होता डा होता डा डा व्यंजन है, इसलिए ए लगेगा. आप वह एक आदमी है, वहां के लिए दैट लगेगा, है के लिए ही जा गया हेल्पिंग वर्ब. अब एक आदमी लिखना है तो आदमी को तो मैन बोला जाता है, मैन को जो माँ होता है वो व्यंजन है, इसलिए ए मैन लगेगा. आपको इस सेंटेंस को मैं था वाला बताता हूँ. या एक कुत्ता था, तो सेम सेंटेंस यही रहेगा, बस इसके बजाय वहां वाज लग जाएगा. बस दिस वाज अ डॉग. मान लीजिए आ गया वहां एक आदमी था तो दैट वाज था मैन. अब मैं आपको यूज ऑफ दीज एंड दोज, दीज और दोज का यूज बताने जा रहा हूं. दीज का हिंदी अर्थ होता है ए सब. इसका प्रयोग निकट में स्थित एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता. दोज का हिंदी अर्थ होता है वैसा, वह या वैसा. इसका प्रयोग दूर में स्थित एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है. जिस प्रकार से मैंने आपको दिस दैट पढ़ाया उसी प्रकार से दीज और दोज भी, बस इतना ही है. यहाँ पर इन दोनों का यूज जो है एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है, एक से अधिक. तो फिर ये निकट के लिए है और ये वाला दूर के लिए होता है. थर्ड है दीज और दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब आर और वर का यूज किया जाता है. इसको हम लोग वर पढ़ते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ए सब लड़के हैं, ए सब के लिए दीज लगेगा. अगर प्रेजेंट टेंस में वाक्य है आपका, वाक्य अंत में है आया हुआ है, तो हम आर नाम की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. अगर पास्ट टेंस का वाक्य उसमें था थे आएगा तो बेयर का वर्ब, वर का यूज करेंगे. वर ए सब लड़के हैं, दीज आर बॉयज, किसमें है वो आर लगेगा. और लड़के हैं जैसे बॉय की अवस्था में आप बॉयज लगेगा. वह सब कुत्ते हैं, दोज आर डॉग्स, कुत्ते के लिए डॉग्स आएगा. और यहाँ पर ए है लगा हुआ है और प्रेजेंट टेंस का वाक्य, इसलिए यहाँ पर आर नाम की हेल्पिंग वर्ब लगेगी. अब मैं पास्ट वाला बताने चला हूँ आपको, इसमें बेयर लगेगा वर. ए सब लड़के थे, सेम वाक्य ही रहेगा. दीज आर, आर के स्थान क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा. दीज वर बॉयज, वह सब कुत्ते थे. दीज वर डॉग्स, थाती थे के आने पर दीज और दोज के साथ वर नाम की हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा. और दीज दोज के साथ अगर सेंटेंस में है आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो आर नाम की हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है. स्टूडेंट, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ कैन और यूज ऑफ इट के बारे में स्टडी कराएंगे. आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. थैंक्स अ लॉट.